हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। जीएसटी में जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है उसमें अगर हम टैक्स लगाते हैं तो एक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। तो इसका मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन का मीनिंग अगर हम ये कहें कि टैक्सेशन ऑन कंजम्पशन बेस, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग भी यही होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मीनिंग यही होता है कि टैक्सेशन ऑन कंजम्पशन बेस। जो हमारे पहले टैक्स लगते थे वो किस बेस पर लगते थे? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। लेकिन जीएसटी टैक्स को हम किस बेस पे लगाते हैं? टैक्सेशन ऑफ कंजम्पशन बेस। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे इसके लिए हम इंट्रास्टेट का एग्जांपल लेते हैं। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या भेज रहे हैं? हम कुछ सामान सेल कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर सामान को क्या किया गया, जैसे मान लो ये है हमारा पंजाब, पंजाब में सामान को तैयार किया गया और कहाँ भेजा गया? हमारे हरियाणा में भेजा गया। तो जो टैक्स लगेगा वो पंजाब में नहीं लगेगा, वो हरियाणा में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, उस चीज को, उस मेटल को कंज्यूम किया गया है। तो इसीलिए, क्योंकि ये कंज्यूम, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन है वो टैक्सेशन ऑफ कंजम्पशन बेस है, क्योंकि जहां पर भी उस चीज को कंज्यूम किया जाता है, उस चीज को यूज किया जाता है, वहीं पर ये क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो जो हमारा जीएसटी है, अगर ये पूछा जाए कि किस रूल, किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन को फॉलो करता है। और जो हमारा पहले लगता था, जैसे सेंट्रल टैक्स, वो किस रूल को फॉलो करता था? ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल को फॉलो करता था। तो ये हमारा एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है एस्टेट के, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है तो एस्टेट में भी आ सकता है, और नेट में तो इसके आने के चांस है ही, क्योंकि जीएसटी हमारा जो लीगल एस्पेक्ट्स है उसमें भी जीएसटी क्या ऐड है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन क्या है। ये टैक्सेशन ऑफ कंजम्पशन बेस है, और इसका एग्जाम्पल भी हमने बता दिया कि जहाँ पर गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा वहीं पर टैक्स लगेगा। So, thank you for watching this video, and please subscribe my channels and share with your friends. Thank you.